नमस्कार, पूजा मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज की खबर क्यों। मुंबई के बिल्डर संजय पुनिया को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की ओर से धमकाए जाने के फोन पर बातचीत के ऑडियो की खबर एचएम न्यूज ने आपको पहले भी दी थी। इसी के कड़ी में एक और ऑडियो एचएम न्यूज के हाथ लगा है, जिनमें पुनिया कथित तौर पर अपने साथियों से बातचीत करते हुए दावा करता है कि सीबीआई जांच शुरू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। परमवीर सिंह फिर से मुंबई के कमिश्नर बनेंगे और उसे महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री को कुर्सी से बेदखल करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। बातचीत में गिरफ्तार हुए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से भी जुड़ी हुई सनसनीखेज बातें कही गई है। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में बिल्डर श्याम अग्रवाल की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार आरोपी पेश से बिल्डर संजय पुनिया का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो से संजय पुनिया केस के सह आरोपियों के साथ अपने कारोबारियों के बीच बड़े दावे कर रहा है। यह ऑडियो क्लिप मुंबई पुलिस की एसआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बरामद किया था। 23 मार्च 2021 को सुनील जैन के साथ बैठक में बिल्डर संजय पुनिया ने शरद शुभम और रवि व्यास के सामने कई बड़े दावे किए थे। पुनिया ऑडियो में कह रहा था कि सीबीआई के शामिल होने के बाद राज्य सरकार गिर जाएगी। परमवीर सिंह को अंतिम राहत मिलने के बाद वह फिर से मुंबई सीपी होंगे या फिर उन्हें केंद्र में एक पावरफुल पोस्टिंग मिलेगी। सीबीआई जांच आदेश मिलने के बाद सीबीआई राज्य के हर मंत्री के घर में घुसेगी। ऑडियो में संजय दावा करता है कि केंद्र के एक वरिष्ठ नेता ने संजय पुनिया को महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री का विकेट लगाने का जिम्मा भी सौंपा है और इसे अप्रैल में वो पूरा करेगा। सरकार गिर जाएगी सीबीआई को घुसाने के साथ, इंटरिम रिलीफ पास हो गई तो वापस सीपी का चार्ज क्या लगता है? मेरे हिसाब से सीबीआई घुसाएंगे। सेंटर में बहुत अच्छी पोस्ट थी मेरे बारे में, बहुत ही पावरफुल पोस्ट काम तो मुझे दिया गया है और मैं वो अपने को पूरा कर रहा हूँ। महाराष्ट्र का बहुत बड़े मंत्री का सीबीआई इंक्वायरी लगेगी, कल की डेट में नहीं लगेगी, आगे लगेगी। सीबीआई का ऑर्डर लगेगी, सीबीआई को अंदर घुसाएंगे स्टेट में। एनआईए में 5-4 मिनिस्टर के और उसके कलेक्शन वालों के नाम लेंगे, वो वजह से बात हो गई और ये पूरा एपिसोड दौरान किया। और पवार साहब क्या कर रहे हैं? पवार साहब का भी नाम दे रहे हैं ना। सवाल यह उठता है कि कई हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल 2021 ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, फिर संजय पुनिया को यह जानकारी लगभग 12 दिन पहले कैसे थी? बाद में डीसीपी अकबर पठान से बात करते हुए संजय पुनिया कहता है कि 15 से 20 पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, लेकिन वही कई लिखित आदेश नहीं है। फिर अधिकारी की कुछ कहने से या करने से क्या फर्क पड़ता है? रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। वहीं संजय पुनिया के डीसीपी अकबर पठान से आगे कहा कि बीजेपी पूरी तरह से अपने साथ, वाजे बहुत मजबूत है, तुम्हें पता है क्या, कुछ नहीं कहेंगे। एटीएस को भी जांच की जरूरत है और राज्य सरकार एनआईए की जांच देने के लिए तैयार नहीं है। एटीएस मजे ले रही है, उन्हें सौंपनी वाजे की पुलिस कस्टडी चाहिए, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये थे मैं आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।